कि मेरा जिक्र भी नहीं होता तुझसे, मेरा जिक्र भी नहीं होता तुझसे, कोई परेशानी हो गई है क्या? कहती हो तुमसे मोहब्बत है कैसे मान लूं, कहती हो मुझसे मोहब्बत है कैसे मान लूं, कोई निशानी छोड़ के गई हो क्या? और ये चार लाइनें मैं शुरू करता हूँ चार लाइन से। ये एक बच्चे को मैंने देखा था, मैं लास्ट ईयर जयपुर था, कोचिंग कर रहा था, तो वहाँ पे देखा था, एक स्लोगन लिखा हुआ था दीवार पे, तो वहीं से ये हुआ कि पेट जब भूख से तड़पता है, पेट जब भूख से तड़पता है, काम अच्छा है या बुरा कौन परखता है? पेट जब भूख से तड़पता है, काम अच्छा है या बुरा कौन परखता है? शायद उसे अपनी इज्जत से ज़्यादा अपनी जान प्यारी थी, शायद उसे अपनी इज्जत से ज़्यादा अपनी जान प्यारी थी, वरना एक रोटी के लिए पैरों से कौन लिपटता है? ये दो तीन चार पांच लाइन और है। ये होता है ना कि कोई कान भर देता है उसके और हम समझाते रह जाते हैं लेकिन वो समझती नहीं, तो इसी के लिए है कि जो भी कहा किसी ने तुझसे सचमुच सब कुछ झूठ कहा है, कि जो भी कहा तुझसे किसी ने तुमसे सचमुच सब कुछ झूठ कहा है, और हाथ दिल पर रख कर देखा ना तुमने, धड़कन ने क्या झूठ कहा है? और जब समझना ही नहीं तुम्हें तो सर खपा कर क्या करूं, जब समझना ही नहीं तुम्हें तो सर खपा कर क्या करूं, मेरी जान जान निकलती है जब तुम कहती हो झूठ कहा है। और ये राजनीतिक टिप्पणी है कि आज बड़ा सा मंच सजाकर बड़े बड़े वादे किए हैं, कि आज बड़ा सा मंच सजाकर बड़े बड़े वादे किए हैं, जनता जो भी सुन रही है जानती है सब झूठ कहा है। कि वो हमारे हिस्से का वक्त किसी और को देके आ रहे हैं, कि वो हमारे हिस्से का वक्त किसी और को देके आ रहे हैं, हम तो बस मुसीबत में उनके काम आ रहे हैं। कि वो हमारे हिस्से का वक्त किसी और को देके आ रहे हैं, और हम हैं कि मुसीबत में उनके काम आ रहे हैं। इससे बुरा भी देखता तो मैं और क्या देखता, कि इससे बुरा भी देखता तो मैं और क्या देखता, मेरे आगे कोई और तुझे हाथ लगा रहे हैं, मेरे आगे कोई और तुझे हाथ लगा रहे हैं, जाने दो न कोई दाना न जाल फेंकना छत पर, कि अब न कोई दाना न कोई जाल फेंकना छत पर, जाने दो उनको परिंदे हैं अपने घर जा रहे हैं, कि न कोई दाना न जाल फेंकना छत पर, जाने दो परिंदे हैं अपने घर जा रहे हैं, बस एक बार और उसकी गली का फेरा करना है, कि बस एक बार और उसकी गली का फेरा करना है, आज से हम शहर में कमाने जा रहे हैं, वो हमारे हिस्से का वक्त किसी और को देते आ रहे हैं। मुझसे मेरी मंजिल का रास्ता क्या पूछता है, कि मुझसे मेरी मंजिल का रास्ता क्या पूछता है, तेरा घर कहीं और है तू कहीं और रास्ता ढूंढ, कि मुझसे मेरी मंजिल का रास्ता क्या पूछता है, तेरा घर कहीं और है तू कहीं और रास्ता ढूंढ, कब तक किसी और के पैरों पर पैर रख कर चलोगे आखिर, वो भी थक हार के कह देगा कहीं और रास्ता ढूंढ, कि कब तक किसी और के पैरों पर पैर रख कर चलोगे तुम, वो भी थक हार के कह देगा कहीं और रास्ता ढूंढ, जो हमारे कंधों का सहारा लेकर आज कुर्सी पे जा बैठा है, जो हमारे कंधों का सहारा लेकर आज कुर्सी पर जा बैठा है, हमने कल परेशानी बताई उसे तो कहता है कहीं और रास्ता ढूंढ। एक कविता है, पिछले दिनों लिखी थी मैंने, कविता क्या चार पांच लाइन है, एक आगे ऐसी भाव, ये कविता है ना वो ऐसा नहीं बनती कि हम लिखने बैठ जाते तो बन जाती है, कोई भाव आता है, कोई नाम आता है, कोई लिखा हुआ दिखता है, कोई मूवी देख रहे हैं तो उसका कोई भावना अंदर बैठ जाती है, तब आता है निकल के, कि जिसने चांद बिठा रखा है अपनी पलकों पर हम उन्हीं आंखों के दीवाने बन बैठे, कि जिसने चांद बिठा रखा है अपनी पलकों पर हम उन्हीं आंखों के दीवाने बन बैठे हैं, और अलंकार सब फीके से हैं जिस सरल देह के आगे,
और अलंकार सब फीके से है जिस सरल देह के आगे हम उसी सरलता से मोहब्बत कर बैठे। और आगे सुने कि जब आप देखते रह जाते हो लेकिन आपको हाथ में मिलता कुछ और शादी हो जाती है उसकी, पायल कहीं और ही लगती है, भैया कह रहे थे वो पता नहीं कहाँ है। वैसे हम तो अभी तक देख ही रहे, पता नहीं कब क्या होगा कि कब कदम तुम्हारे पड़ेंगे जिसकी देहरी पर भाग्य की उसके धन्य धन्य हो जाएंगे। कदम तुम्हारे पड़ेंगे जिसकी देहरी पर भाग्य की उसके धन्य धन्य हो जाएंगे। खुशबू तुम्हारी पाकर कोने सारे घर के साफ स्वच्छ और निर्मल हो जाएंगे। खुशबू तुम्हारी पाकर कोने सारे घर के साफ स्वच्छ और निर्मल हो जाएंगे। धड़कन तुम्हारी जिसमें कि नाम हमारा भी हो, हम जान हमारी उस दिल के हवाले कर बैठे। और जिसने चांद बिठा रखा है अपनी पलकों पर, हम उन्हीं आंखों के दीवाने बन बैठे। थैंक यू।